निकली सी पूरे पिंड दे विच पिंड होरा पिटवाया गया जी, पता नहीं से किसी नूं कि भाई की है। तो मोगे से पंडित आए थे, उन्होंने बताया कि विष्णु भगवान जी की प्रतिमा है। तो कहिंदे उस समय पिंड दे विच पैर रखण नूं जगह नहीं सी, इन्ना पिंड पूरा भर गया सी। एक खुदाई च जब बारिश होई हुई सी जी, तो डंगरां थले सुकी मिट्टी पाउण वास्ते उन्होंने मिट्टी की खुदाई करते पे थे, तो खुदाई के बीच भगवान जी मिले। जो महाभारत हुई थी ना, गीता का उपदेश दिता सी, तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया सी। ये सारे भगवान जी के उस विराट स्वरूप की प्रतिमा है। तो जीव जंतु मानव दानव भगवान ने कहा कि मेरे तो ही आते हैं, मेरे तो ही निकलते हैं, तो मरने के बाद वापस मेरे अंदर ही समाहित हो जाते हैं। तो सारी वो चीज़ा भगवान जी के अंदर ही विराजमान है। बहुत ज़्यादा हर मनोकामना पूरी होंगी इतने, कुछ मर्जी मंग लो। सर असं आप पर आए हुए भी जो भी कुछ मंग के जाने, हर एक इच्छा पूरी होंगी। जिन्हें भी विष्णु भगवान के रूप है सारे इस मूर्ति च जी। 1 जनवरी 1968 से भगवान जी की मूर्ति निकली सी प्रतिमा। तो उदो जो निकली सी पूरे पिंड दे विच पिंड होरा पिटवाया गया जी, पता नहीं से किसी नूं कि भाई की है। तो मोगे से पंडित आए थे, उन्होंने बताया थे कि विष्णु भगवान जी की प्रतिमा है। तो कहिंदे उस समय पिंड दे विच पैर रखण नूं जगह नहीं सी, इन्ना पिंड पूरा भर गया सी। तो जिन्होंने मूर्ति निकाली सी उन्हां दी बुआ जी के यहाँ रहिंदे सी, उन्हां दी बुआ जी ने बथेरी सेवा की भगवान जी की। तो जट सिखों में सी वो, तो सुबह जो उठते 4 बजे उठ के भगवान जी ने इशनान कराना, चाय पानी का भोग लगाना, कुछ भी खाने तो पहले भगवान जी ने भोग लगा के खाते पीते सी वो। तो उन्होंने आप दी जो किसी ने कोई मंगता सी ना, उन्होंने जो कुछ कह देना उन्होंने भी जबान पूरी हो जाती सी, भगवान की सेवा का फल उन्होंने ये मिल गया सी। पंडित जी ये भी पता लगा बई इस पिंड की जी जमीन के प्रतिमा निकली है। हाँ जी हाँ जी, इस पिंड जनेर के बच्चों ही भगवान जी ने। एक खुदाई से जब बारिश होई हुई सी जी, तो डंगरां थले सुकी मिट्टी पाउण वास्ते उन्होंने मिट्टी की खुदाई करते पे थे, तो खुदाई के बीच भगवान जी मिले। मंदिर जी बहुत दूर दूरों लोग आते इतने, अमृतसर बठिंडा जलंधर बठिंडे लागे हूँ इधर भी, फिरोजपुर फरीदकोट बहुत दूरों दूरों लोग, चलो बाहर भी जिन्हों आउट ऑफ पंजाब जिन्हों पता लगता उतों भगवान जी के दर्शन करने लोग आते हैं। तो कुछ मांगते नहीं कुछ इन्नी कोई भगवान के बीच आपको सुखना नहीं सुखनी पड़ती, छोटी सुखना है जो भी कोई देसी जी लड्डू का भोग लगा उन्हें बच्चे भगवान जी मनोकामना पूरी कर देंगे। हाँ जी हाँ जी, ये निकलने दे कुछ टाइम बाद में चोरी हो गई थी। ये बोरे वाले संत यहाँ पे आए थे, तो वो मंदिर बनवा रहे थे लोगों से, उन्होंने बोला सी कि भाई जिन्हें भी परमात्मा तो कुछ मंगना है 100-100 रुपए दो। तो 4-5 जने ने सेवा की सी मंदिर बनाने वास्ते उस समय 1968 के बीच, किसी ने 101 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए, उन्होंने इकट्ठे करके तो मंदिर बनाया सी। तो उन्हां दी स्थापना करने के बाद बोरे वाले संतों के बाद में इतों ये जो भगवान जी ने चुरा के ले गए चोर, फिर किस तरह मिली इस तरह की जे कहते 3 जने से, वो 2 प्यो पुत से एक और कोई नाल से उन्होंने। तो जो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँच के दिल्ली चले गए वो लेके मूर्ति को, तो उत्थे उन्होंने गल की आपस में कि भाई उसको पैसे नहीं देंगे, हम ही रख लेंगे, उन्होंने कोई पता लग गया। तो कहते उन्होंने इतने मूर्ति के उत्ते भगवान जी के 2000 रुपये इनाम रखे हुए थे कि जो भी कोई पता बताएगा उसको 2000 रुपये दिते जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 2 लाख रुपए में उन्होंने बोली लगाई थी। बाहर विदेशों में तो चलो जिम्मे पुरानी चीजें होती है वो रख लेंगे, ले जाके उत्ते संग्रहालय दे विच। पता है भी लग गया कि जिन्ना चोरों ने मूर्ति चोरी की थी उन्होंने अखां की रोशनी है जी चलेगी। हाँ भी कहते हैं है ना लोकल जिम्मे इतने मानता है, बाकी इस चीज़ के आप पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। इदा कहते हैं कि भाई जिन्होंने चोरी की थी उन्होंने अखा चली गई थी। धातु की बनी हुई है मूर्ति जी? धातु का कोई पता नहीं लग्या, अजे तक बहुत पुरातत्व विभाग वाले भी बहुत आए थे, हर साल लगभग कोई ना कोई आके जानता ही है तो पता करता है, परंतु कोई पता नहीं लग गया। कोई बलुआ पत्थर बता देंगे, कोई काला नीलम बताते हैं, कोई पन्ना बता देंगे काला, तो भगवान जी धातु का कोई पता नहीं लग गया अजे तक। मेला भी लगाया जाता है? मेला 1 जनवरी 1968 के भगवान का जिम्मे प्रतिमा निकली थी, तो 1 जनवरी प्रकट दिवस मनाते हर नवे साल में 1 जनवरी को बहुत बड़ी धूमधाम से मेला लगाया जाता है। और उस समय इतने जिते भी लोग बैठे हुए हैं जड़े जानते हैं भगवान जी मंदिर के बारे, वो दूरों दूरों चल के इतने आते। पता लगे सारे स्वरूप एक मूर्ति के केड़े स्वरूप है? हाँ जी, भगवान जी विष्णु जी के जिन्होंने सृष्टि रचना की थी उन्होंने जितने भी स्वरूप
अपने अवतार लिते हैं दुनिया बनाने वास्ते। जिवें जब प्रलय होता है तो सबसे पहले मत्स्य अवतार भगवान जी धारण करते हैं, तो मत्स्य अवतार मछली का अवतार भगवान के ऊपर ही ऊपर स्वरूप बना हुआ है। फिर कच्छप अवतार बना हुआ है, समुद्र मंथन हुआ है उस समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। भगवान कृष्ण जी के मोहिनी अवतार जरा धारण किया, नरसिंह अवतार धारण किया, भगवान प्रहलाद की गोद के बैठे हुए हैं। तो जड़े शिव जी हैं, लक्ष्मी माता दुर्गा माता सभी शक्तियाँ भगवान जी के चरणों के विराजमान, तीनों शक्तियाँ लक्ष्मी माता दुर्गा माता सरस्वती माता सारे स्वरूप परमात्मा दे। और जितने भी भगवान दे जिवें अर्जुन नू जो महाभारत हुई थी ना गीता का उपदेश दिता सी, तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया सी। ये सारे भगवान जी के उस विराट स्वरूप की प्रतिमा है। तो जीव जंतु मानव दानव भगवान ने कहा कि मेरे तो ही आंदे हैं, मेरे तो ही निकलते हैं, तो मरने के बाद वापस मेरे अंदर ही समाहित हो जाते हैं। तो सारी वो चीज़ा भगवान जी के अंदर ही विराजमान है। जेडे गज नू मगरमच्छ से छुड़ाया सी भगवान, उस गज की प्रतिमा बनी हुई है। व्यास ऋषि कपिल मुनि ये भी भगवान जी के अवतार माने जाते हैं, इन्हों की भी प्रतिमा भगवान जी के स्वरूप नाल ही विराजमान है। हाँ जी हाँ जी, सारे जो मूर्ति है सारे स्वरूप है भगवान जी के, एको पत्थर के बने हुए हैं। बाकी तो ये है कि बनाने वाले को पता नहीं भगवान ने दर्शन दिए या किस तरह से, ना राजा जनक से रिलेटेड ये पेड़ है, गाँव का नाम जो है जनेव राजा जनक से जुड़ा हुआ है। कहते राजा जनक का कोई व्यापार केंद्र से इतने जनक का बहुत बड़ा महल थी और ये नगर इस पिंड को श्राप लगा हुआ है तो ये थे हो जाता है। तो बहुत सी और भी बहुत सारी चीज़ें इस पिंड से मिली है, किसी को चांदी दे सिक्के, किसी को सोने दे सिक्के, बहुत सारी चीज़ें इसमें पिंड में निकल दिए थे जो भी कोई बना मकान खुदाई देख। ये मानता जी एक तो मेला लगता इतने पहली तरीक न, दूजे जो धरती चो निकली सी वो साढ़े सुरतों तो पहले भी निकली हुई है, फिर चोरी हो गई सी, चोरी हुई भी फिर इतने जगजीत थानेदार से साढ़े पिंड का एक, वो दिल्लियों बढ़ा के लिया से, नहीं बाहरले मुल्क चली जानी सी रात रात। हुण जाने जाने मोगे के महाजन आते हैं तो कोर्ट के आते हैं, तो पहली तरीक न इतने मेला हों बड़ा उसे जगह। हाँ जी हाँ, इतने थे जो निकली सी, इतने जगह मंदिर बनाता। बाबी पिंड का की इतिहास है सर? ये जी पहला कित सदियों का थे होया वै, साड़ी सुरत तो पहला का कित कई सदियां ही हो गई, साडे दादे पड़दादे तो भी पहला का। मेरा नाम नवदीप सिंह है जी, असी सारे मलोड़ तो आए हुए हैं। वीर जी प्राचीन मंदिर के पहुँचो, मूर्ति के दर्शन करने आए हो, कि पता लग्या भी पिंड जनेर के प्राचीन मंदिर है? अज तो भी दो साल पहला न्यूज़ देखी सी जी अखबार के, तो उदो असी सोचा होया भी असी जाके जरूर देखना है, तो अज सा प्लैन बनया अं इतने आए हैं। तो पता लग्या तो उद्देश्य की है मूर्ति मंदिर की महत्ता की है? जो इतने आए हैं सूँ पता लगे पंडित जी तो उन्होंने दसिया भी वाहवा काफ़ी टाइम पहला 1668 की गल हैगी भी उदो यह मूर्ति इतों निकली हुई सी, उस तो बाद मूर्ति चोरी भी हुई है, ये दिल्ली एयरपोर्ट तो मतलब मिली हैगी मूर्ति, जेडे इतों के SHO साहब से वो उत्थे गए गया वो लैके आए गए मूर्ति। ये भी दसा जा रहा है कि इतने कोई किसी भी तरह की मनोकामना जी पूर्ण होंगी है? हाँ जी पूरी होंगी वधिया, इतने मतलब सुनया है हूँ आया सारा तो पूछा है पिंड दे विच भी, वो कहें भी आप कोई भी सुख सुख देंगे इतने पूर्ण होंगी है सच्चे दिल। मनोकामना मंगन आए क्या? हाँ जी जमीन दे विचों आ जिहड़ी प्रगट हुई है मूर्ति, पहला कदे देखिया सी इदां दी कदे कोई मूर्ति? नहीं है पंजाब दे विच तां नहीं देखिया है, पहली बार देखिया इस तरह। ये बहुत ज़्यादा हर मनोकामना पूरी होंगी, इतने कुछ मर्जी मंग लो सर, असी आप पर आए हुए हैं भी जो भी कुछ मंग के जाने हर एक इच्छा पूरी होंगी है, बहुत ज़्यादा मानता। कदों की स्थापित है मूर्ति? ये लगभग होंगे 40 साल की स्थापना। कुछ पता लग गया कि केड़ी धातु की है मूर्ति वगैरह या? नहीं वीरे इन्ना नहीं जानकारी है कि मूर्ति इतों ही निकली सी पिंड की जमीन। हाँ ये मूर्ति तो बहुत दूर लै भी गए सी, वापस आ गई, चोरी करके भी लै गए सी, तो उन्हां दी अखां दी रोशनी जावड़ी सी, ये वापस आ गई। इन्नी ना भी मूर्ति च शक्ति हैगी है बहुत ज़्यादा। बड़े रूप है इस मूर्ति? हाँ मूर्ति बहुत ज़्यादा, जिन्ने भी विष्णु भगवान के रूप है सारे इस मूर्ति च। असी 2 साल पहले इतने न्यूज़ के खबर पढ़ी सी जी, उत्थे पता लगे जी कोई दुर्लभ मूर्ति इतने निकली है तो मतलब कि सारी वेले, तो करके असी वेखन आए थे जी, दर्शन करने आए थे भगवान जी के।
ਅਸੀਂ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਂਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੇ ਜੀ, ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਰਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਕਿਹੜੀ 1968 ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੋ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਸ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭ ਦੀ।